वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम रिलायंस कैपिटल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो रिलायंस कैपिटल स्टॉक की बात की जाए तो 15.2 पे रिसेंटली ट्रेडिंग कर रहा है। रिलायंस कैपिटल स्टॉक 5 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन में, सॉरी 19 सितंबर के दिन में, क्योंकि रिलायंस कैपिटल स्टॉक में देखा जाए तो ट्रेडिंग को रेस्ट्रिक्ट किया गया था। तो रिसेंटली देखा जाए तो रिलायंस कैपिटल स्टॉक में मंडे के दिन ट्रेडिंग तो हो जाएगी, पर किसी को अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लियर करने को चांस नहीं मिलेगा। तो रिसेंटली ट्रेडिंग को रेस्ट्रिक्ट किया गया है तकरीबन इंसॉल्वेंसी बैंक करप्शन कोर्ट जो है उनके तरफ से। तो फंडामेंटली नंबर चेक करेंगे रिलायंस कैपिटल स्टॉक के, मार्केट कैप 384 करोड़ का है, पी रेशियो नहीं है, बुक वैल्यू नेगेटिव है, डिविडेंड ऑफर नहीं करता है, आरओसी भी नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, फेस वैल्यू ₹10 का है, सेल जो है 18,000 करोड़ के ऊपर है, पर प्रॉफिट जो देखा जाए तो कंपनी को 7,500 करोड़ का लॉस हो चुका है और कंपनी के ऊपर 26,000 करोड़ का भी यहाँ पे लोन है। तो इसी की वजह से कंपनी ने यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन सभी ने रोक लगाई होगी, एक चांस हो सकता है, बाकी जो यहाँ पे बता नहीं सकते किस वजह से, क्योंकि वजह कोई सामने नहीं आई। तो डिटेल के ऊपर नज़र डाली जाए, प्रोज पॉजिटिव नेगेटिव बातें, जैसे पॉजिटिव एक भी नहीं है पर नेगेटिव बहुत सारे, जैसे कि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कंपनी ने पोअर सेल्स ग्रोथ दिया है पिछले 5 सालों में, प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो बहुत ही लो है, कॉन्टेंगेंट लाइबिलिटी जो है 3,800 करोड़ के ऊपर है, डेप्टर्स डे जो 28 से 35 डेज बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, प्रोमोटर होल्डिंग भी पिछले 3 सालों में 40% की कम हो चुकी है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलायंस कैपिटल स्टॉक के लिए।